सनी देओल की फिल्म गदर 2 धमाल मचा रही है। फिल्म आए दिन कमाई के रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है। सनी देओल का हथौड़ा चल गया है और गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल। देखिए, गदर 2 अब 400 करोड़ के क्लब में शामिल हो गई है। फिल्म ने 12 दिन में ही 400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। वहीं सनी देओल और अमीषा पटेल एक बार फिर से फैंस का दिल जीतने में कामयाब हो गए हैं। आइए आपको बताते हैं कि 12वें दिन गदर 2 ने कितना कलेक्शन कर लिया है। तो गदर 2 के कलेक्शन की बात करें तो पहले दिन से ही ये फिल्म शानदार कमाई कर रही है। ओपनिंग डे पर भी गदर 2 ने 40.10 करोड़ का कलेक्शन किया था। इसके बाद से फिल्म रोजाना अच्छा खासा कलेक्शन कर रही है। इतना ही नहीं, गदर 2 पहले वीकेंड तक 200 करोड़ के क्लब में भी शामिल हो गई थी। गदर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन भी किया और सेकनिक की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने 12वें दिन 11.50 करोड़ का कलेक्शन किया है, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 400.10 करोड़ हो गया है। फिल्म ने 11वें दिन भी 13.50 करोड़ का कलेक्शन किया था, जिसके बाद गदर 2 की कमाई 400 करोड़ से बस कुछ ही दूर थी। वहीं अब गदर 2 की बात करें तो ये अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी फिल्म है। साल 2001 में आई फिल्म का सीक्वल है गदर 2, जिसे लोगों का ढेर सारा प्यार मिल रहा है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल के साथ उत्कर्ष शर्मा और मनीष वाधवा लीड रोल में नजर आए हैं। इतना ही नहीं, गदर में जहां अमरीश पुरी ने विलन का किरदार निभाया था, वहीं गदर 2 में मनीष वाधवा इस किरदार में नजर आए हैं। विलन बने मनीष वाधवा की एक्टिंग की हर कोई तारीफ कर रहा है। बहरहाल, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़ रही जीबीटी एंटरटेनमेंट चैनल के साथ। नमस्कार।